गाइस 30 फॉलोवर बाकी है। 30 फॉलोवर बाद हम लोग 10,000 की फैमिली। ओ भाई भाई 10K की इतनी खुशी हो रही है कि भाई देखो घर की चौखट पे बैठा हूँ मैं। रात के 12 बज रहे थे तो जब पर्दे लगे हुए हैं और इधर सब मम्मी पापा सो रहे हैं और मैं जस्ट गेट के यहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ कि कब होंगे कब होंगे कब होंगे। मैं राह देख रहा हूँ जिस तरह कोई राह देखता ना कि कब आएगी कब आएगी, तो उस तरह मैं ये भी राह देख रहा हूँ कि भाई कब हमारे 10K होंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ग्रेट मोमेंट होने वाला है बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ का। तो मैं सोच रहा हूँ सो जाता हूँ, मैं सुबह उठूँगा तो सुबह ही देखूँगा, कुत्ते भी बहुत चिल्ला रहे हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं सोता हूँ यार। तो गाइस हमारे फाइनली 10K हो चुके हैं। भाई इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। मैं साइड में रो लिया पर तुम लोगों के सामने नहीं रोया, क्योंकि मैं भी तुम लोगों को वो दर्द नहीं बताना चाहता जो मेरे अंदर भरा हुआ है, वो एक दिन मैं ज़रूर से बताऊंगा। तो भाई क्रिएटर का ड्रीम होता है कि फर्स्ट अचीवमेंट ये अचीव करे, क्योंकि भाई इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। कुछ लोग पैसों से आगे आते हैं तो कुछ लोग मेहनत से। मैं अपनी मेहनत से आऊँ और आप लोगों के प्यार की वजह से आऊँ, जो भी हूँ आपकी प्यार और मेरी मेहनत और मेरे घर वाले का आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पर पहुँच चुका हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है और भाई दिल गार्डन गार्डन रहा है। तो इसी खुशी में हम लोग 10K का सेलिब्रेशन करेंगे, जो कि कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ हम लोग जाएंगे और सेलिब्रेशन करेंगे, केक वगैरह काटेंगे और उनके लिए कुछ खाने वगैरह का भी लेंगे। जो मुझसे होगा वो मैं करूँगा और मैं कुछ बड़ा करने की सोच रहा था बट थोड़ा सा इशू मेरे को देखने को मिल रहा है अभी मेरे लिए अंदर, तो मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो भी मैं आगे जाके करूँगा और बाकी तो मैं आप लोगों को आगे बता दूँगा। कंटिन्यू ब्लॉग में बना देना। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो भाई अभी तो हम लोगों ने क्या किया है, जो केक है हमारी वो बनवाया है, मतलब ऐसा नहीं बन पा रहा जैसे मैं बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कोटा जाना पड़ेगा बट काफ़ी लेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो मिल रहा है उसे मैं ठीक है और एक्साइटेड हैं और ये वाली हम भी करेंगे यार, क्योंकि इस पल के लिए बहुत इंतजार किया था। चलो थोड़ा सा लेट मिलता हूँ, काम भी करता हूँ अभी मैं। 6 साल की मेहनत मेरी आज रंग लाई, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत दुखी होंगे वो लोग जिन्होंने मुझसे कहा था कि तुझसे नहीं होगा, रहन दे बैठ जा चुपचाप कोने में। भाई साहब बहुत हंसी आ रही है मुझे उन लोगों पर आज, और अभी तो ये शुरुआत है यार, ये तो भाई पहली सीढ़ी है जो हर कोई चढ़ना चाहता है, अब देखो आगे आगे होता है क्या। तो भाई केक वगैरह तो मैं अभी जस्ट लेके आया हूँ बट केक का सारा डिज़ाइन उसने बिगाड़ दिया यार, जैसा बोला था वैसा नहीं किया, पर वैसा यहाँ पे बनता भी नहीं हमारे यहाँ पर, उसके लिए मैंने बोला ना कोटा जाना पड़ता फिर ये इतनी। तो ये तो हम लोग आगे जाके कर लेंगे जब तुम लोगों ने मुझे मौका दिया, 100K तक मुझे मौका दिया तो मैं 10 दिन पहले प्लानिंग कर लूँगा। वैसे मेरी 1.5 दिन की प्लानिंग इसमें भी थी बट वो वाली प्लानिंग मैं आप लोगों के लिए करूँगा, जो मैं सोच रहा हूँ वो आगे जाके करेंगे, बाकी अभी निकलते हैं लोकेशन पर। तो भाई हम लोग फिलहाल आए थे डिस्ट्रीब्यूटर की शॉप पर जहाँ से हमें बिस्किट वगैरह चिप्स वगैरह लेना था, तो फिलहाल यहाँ से भाई चिप्स नहीं मिल पा रहे थे, यहाँ पे बिस्किट ही थे तो हम लोगों ने बिस्किट के पूरा पैकेट दिए और यहाँ से हम निकल गए। बाले की मजदूर मैंने ले लिए, 2 मजदूर है मेरे साथ में, चलो फटाफट निकलते हैं अब लोकेशन पर। ये हमारी डेस्टिनेशन है और अभी भाई मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये भाई मैं जो कर रहा हूँ ये तुम लोग ऐसा मत समझना कि शॉप के लिए ये वो है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा मन है इसलिए मैं कर रहा हूँ और मेरे कुछ दोस्त भी थे, मैं चाहता था उनके साथ भी करता बट वो अभी यहाँ पर है नहीं, तो कुछ जो दिल के करीबी थे वो नहीं है, तो भाई सेलिब्रेशन करने का मज़ा नहीं आता, तो मैं सोचा कि इधर ही आ जाऊँ मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रखा था कि मुझे ये करना है करना है करना जब मेरी 10,000 की फैमिली खड़ी हो जाएगी। वैसे करना तो मुझे और कुछ भी है, बहुत कुछ करना है अभी जाके लाइफ में, तुम लोग देखते जाओ, और जिनको लगे शो पर लगने तो मुझे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग सोचो जो भी तुम लोगों को नेगेटिव सोचना, पॉजिटिव भी लोग इस दुनिया में रहते हैं बस मुझे इतना मालूम है। बाकी अभी हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं और बच्चों को केक और बिस्किट खिलाते हैं, जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से मैंने कर दिया, बाकी नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों ने मुझे अच्छा मौका दिया तो मैं कुछ और बड़ा करूँगा। बाकी चलो आप बच्चों को केक वगैरह खिलाते हैं। कभी ना कभी बदलेगा मौसम और मुझ पे भी होगी खुशियों की बारिश, अब सिर्फ बारिश नहीं होती मेरी बिना कोई चिक चिक किट 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 मिल जाए मुझे मेरे सारे गिफ्ट्स और पूरी हो जाए झट से मेरी ये विश लिस्ट मेरी ये हर छोटी छोटी चीजों से मारा है मैंने मन, सोचा कभी तो मिलेगा मेरे कामों का रिटर्न, अभी लेके अपनी लिस्ट जो मैं करूंगा मैं दम, सभी का तो हो रहा है मेरा भी लगे डर, मम्मी पापा को बुलाना है जल्दी से।
से मेरे साथ माउंट मेरी के आसपास एक छोटा सा पेंट हाउस, ताकि नाश्ते से पहले ही वो कर ले पूजा पाठ। मुझे अभी जाके बापूजी ने कहा है शाबाश, सारे गांधी सुन के नाम हर चीज का ले हिसाब, रोज सुबह उनके पास में करूँ अपने हाथ साफ। दिया है पर पहनते ही नहीं सोने की वॉश, लगा लगा के मैं डांट की करवाता हूँ जांच। मुझे अवार्ड लेते थे खुशी से भर जाए उनकी आँख, मेरे नाम से ही है बुड्ढा बुड्ढी की पहचान। उन्हें सारी सारी बलाओं से करूँ मैं प्रोटेक्ट, अपनो इंश्योरेंस बस अब है डीनो अनलिमिटेड। मुझे जीने का मिला है एक मकसद, मम्मी खुश है पापा कम होते अब अपसेट, हंसी खुशी से भरा है घर मेरा लगभग, फाइनली मैसेज ही पहुंचा रब तक। कभी ना कभी बदलेगा मौसम। गाइस तो हमारा सेलिब्रेशन वगैरह हो चुका है और मैं लास्ट बार और बताना चाहूँगा आप लोगों को, मुझसे जितना हुआ मैंने उतना कर दिया यार भाई, और आप लोगों को मुझ पर प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि भाई तुम लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया, इस काबिल मुझे समझा कि मैं आज कुछ लोगों की छोटी ही सही पर मदद कर रहा हूँ। और लाइफ में बस भगवान से मैं इतना ही चाहता हूँ कि भगवान मुझे इतना दे कि हर रोज मैं एक ना एक कुछ गरीबों की मदद कर सकूँ, बस मेरा तो भगवान से एक ही विषय, बाकी देखो क्या होता है लाइफ में आगे जाके। बाकी आप लोग अपना प्यार बनाए रखना, और मैंने मम्मी पापा को किसी को भी नहीं बताया था कि मेरा 10 के होगी, शायद मेरे भैया को पता होगा वो बड़े वाले को, बट वो इतना ध्यान नहीं देता। बाकी मैं तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ यार, मैं जितनी बार आप लोगों को धन्यवाद बोलने की कोशिश करूँ उतना ही मेरे हिसाब से कम है, और शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ कितना खुश नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोगों को पता है मैं 6 साल से बहुत लग रहा हूँ भाई, अब जाके हमारे 10 के हुए हैं। और मैं आप लोगों से एक और बात लास्ट लाइन समझाना चाहूँगा, आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी में भी हो, कभी भी ये हार मत मानना कि यार ये नहीं हो रहा नहीं हो रहा, मैंने काफ़ी ट्राई किया, क्योंकि आपके जो दिल में ना तुम लोग वही करो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे अदर कोई भी कैटेगरी हो, बस हार मत मानना कुछ भी, क्योंकि हार मान लेता तो आज मैं नहीं पहुंच पाता यहाँ तक। और आई नो काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं हो, बट मेरे लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है भाई, क्योंकि इस पल के लिए मैंने रात दिन एक किए भाई, मैं खाना तक नहीं खाता था। और बाकी हिस्ट्री तो मैं आप लोगों को 100K पे या फिर मिलियंस में सुनाऊंगा, क्योंकि मेरी कहानी बहुत बड़ी है, तुम सुनोगे तो तुम कहोगे कि भाई तू कैसे हैंडल कर रहा है, तो लाइफ में इन फ्यूचर मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी आप लोगों का एक और बार शुक्रगुजार हूं मैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।